नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं प्रज्ञा झा। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर ही मन में घबराहट ही नहीं बल्कि चिंता होना भी लाजमी है। इस चिंता का कारण है कैंसर से जुड़ा हुआ इतिहास, जिसमें कैंसर का मतलब जीवन का अंत समझा जाता था। लेकिन अब कैंसर को लेकर भारत में सटीक इलाज संभव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की, जहाँ पर कैंसर को बहुत प्रभावी ढंग से आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी डाइट व अन्य थेरेपी द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस इलाज से कैंसर मरीज कितने स्वस्थ हो रहे हैं, ये आप स्वयं एक कैंसर से पीड़ित मरीज से सुनेंगे तो आपको भरोसा होगा। ये मरीज 7 दिनों से हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम में एडमिट रहे हैं और उनके मुताबिक उन्हें 60% फायदा हुआ है। हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम की संचालिका विधिका बत्रा खुद कैंसर से लड़कर बाहर निकल कर आई हैं और उन्हें भली भांति मालूम है कि कैंसर पीड़ित मरीजों को कैसे ट्रीटमेंट करना है और कैसे उन्हें उनकी दिक्कतों से बाहर उभारना है, जिससे उन्हें कम समय में कैंसर से निजात दिलाया जा सके। विधिका बत्रा ने स्वयं मरीज से कैंसर को उनके इलाज से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। आप देखें वो पूरी चर्चा और उसके बाद आपको भी भरोसा होगा कि आखिर कैसे जो कैंसर पीड़ित मरीज हैं वो हिम्स प्रीमियर में जाकर ठीक होकर बाहर आ रहे हैं। हाय, मैं हूँ विधिका बत्रा फ्रॉम हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम। आज मैं आपकी बात कराने वाली हूँ एक बहुत ही खुश मिजाज पेशेंट से जो लिवर कैंसर से पीड़ित है। ये वो अपने आप में एक मिसाल है कि इतनी बीमारी के बाद भी वो बहुत पॉजिटिव है। और एक ही मैसेज मैं हमेशा अपने हर वीडियो में देती हूँ, नो मैटर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, पॉजिटिविटी और विश्वास, ये दो चीज़ें कभी ना छोड़ें। एनीवेज, लेट्स जस्ट टॉक टू लीला राम जी। नमस्कार लीला राम। नमस्कार विधि बत्रा जी, डॉक्टर साहब, और जय श्री राम। जय श्री राम। तो ऐसा है जी, करीब 13 सितंबर को, मतलब अगस्त को, जी 13 अगस्त को मेरे यहाँ पर पेन हो गया था, दर्द हो गया था। तो जैसे मैंने डॉक्टरों के पास चेक करवाया तो बोले कि भाई आप सीटी स्कैन करवाओ और एमआरआई के बाद एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। तो उसको करवाने के बाद बोले कि जो आपको कैंसर है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपको हम ऑपरेशन करेंगे। आपको लीवर का कैंसर, लीवर का कैंसर बता दिया मेरे को। तो मैं 10 दिन तक ट्राई किया मैंने हॉस्पिटलों में, लेकिन मेरा मन कहीं नहीं माना। मेरा मन आयुर्वेदिक में था, तो मैंने चंडीगढ़ बात की तो चंडीगढ़ वाले बोले कि हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन आपने खुद ने भी एक जज्बा दिखाना होगा ठीक होने के लिए, हौसला रखना होगा। माँ जी ठीक है। तो मैं चंडीगढ़ से बात करके, उन्हें चंडीगढ़ वालों ने मेरे को बताया आयुर्वेदिक केंद्र कि हमारे गुड़गांव में ब्रांच है हिम्स के नाम से। तो मैं यहाँ पर आया तो आते ही मैंने यहाँ पर देखा कि बढ़िया काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब विधि बत्रा जी, जिन जो अपनी पूरी टीम के साथ बहुत अच्छी तरह हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं और हर मरीज को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पर आके मैंने एक हफ्ता रहा हूँ, आज मेरे को बहुत खुशी है कि मैं बहुत ठीक होके यहाँ से, और मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया यहाँ से। तो लीला राम जी, आप 7 दिन पहले आए थे। हाँ जी। और जब आप आए थे तो आपको क्या तकलीफ थी? जब तकलीफ ऐसी थी जी, मैं चलने में भी दिक्कत हो रही थी मेरे को, लेकिन आज मेरे को कोई ऐसा फील नहीं हो रहा। हालांकि 3-4 दिन हो गए, मैं 2 दिन ही सर आया हूँ, 2 दिन जो मेरे को यहाँ ट्रीटमेंट मिला, 2 दिन में ही मैं कम से कम 60% ठीक हो गया था। लेकिन अब 1 हफ्ते में पूरा ऐसा हो गया, मेरे को ये नहीं, मतलब कुछ कहते हो डॉक्टर, कुछ कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरे को कैंसर है। बिल्कुल मानना भी ऐसा महसूस हो रहा है, मेरे का शरीर बता ही नहीं रहा, कोई सिम्टम ही नहीं है। जब आप जी, जब आप यहाँ आए थे तब भी आपको कुछ दर्द थी? जब आप मुझे मिले थे क्या क्या तकलीफ थी जब आप मेरे को पहले यहाँ आए थे? मेरे को यहाँ दर्द था जी, जैसे छाती से नीचे पेट के अंदर ही, और यहाँ पर ज्यादा पेन हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला था मेरे को वहाँ काइनोज में कि यहाँ से आपको जो नसें हैं वो वहाँ तक आ रही हैं, वो दर्द कर रही हैं, और आपको 4th स्टेज का कैंसर है। तो मेरा भी मन टूट गया था कि भाई यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब तक बीमारी का पता नहीं चला जी। तो मेरे को यहाँ आने के बाद, नहीं तो मेरे को आज ये महसूस हो रहा है कि 4th स्टेज की है, नहीं मेरे को ये महसूस हो रहा है कि 1st स्टेज की। मेरे को ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे को कैंसर है। और यहाँ के जो मेरे को फील हुआ है भाई, जो डॉक्टर साहब यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, हर रूम की सफाई बढ़िया, सुबह 1.5 घंटा के लिए योगा करवाते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पर, और जो गाढ़ा है वो गाढ़ा देते हैं, मतलब आयुर्वेदिक से ही जी, और आयुर्वेद हाँ, उससे प्राकृतिक का है ना, तो यहीं पर है कुछ है वो,
जो बाहर ये हॉस्पिटल है इनमें भाई आमती काट देंगे, सीधी बात है, अपना यहीं पर आयुर्वेदिक को अगर ठीक होना था आयुर्वेदिक को अपनाओ। जी, क्योंकि लिवर कैंसर जैसे आपको बताया गया, लिवर कैंसर वो भी फोर्थ स्टेज का, फोर्थ स्टेज का जी, अपने आप में कोई भी सुन के इतना डर हाँ डर जाएगा जी, जी तो हाँ, लेकिन मैं भी डर गया था जी, मैं भी डर गया था आपके साथ बहुत सारे, लेकिन हाँ बिल्कुल आए हैं रिश्तेदार बाद में भी आए हैं, फोन भी आ रहे हैं कि भाई इतने बड़े बीमारी मतलब चौथी स्टेज आ गई, लेकिन मेरे को अब महसूस नहीं हो रहा जी कि मेरी चौथी स्टेज है और मैं आयुर्वेदिक के कारण लड़ूंगा इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ूंगा, और जो मेरा यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और यहाँ से मेरे को जो गाढ़ा पीना है आगे की भी बता दिया है मेरे को हाँ कि आपको ये खाना है ये पीना है, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा जी मेरे को कि मैं बीमार था कभी। आपको मैसेज देना, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सभी भाइयों से कि हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है कि आयुर्वेदिक को अपनाएं, और जब भी कोई ऐसी बीमारी हो तो बाहर के जो हॉस्पिटल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें नहीं कटे, आयुर्वेदिक को अपनाएं, और एक बार अगर किसी भाई को ऐसी कोई दिक्कत है तो एक बार यहाँ पर चेक करवाएं जरूर। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, ये आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, मोस्टली इट्स नेचुरोपैथी प्लस आयुर्वेदा, हाँ सर जी, इसको अपनाएं। हाँ जो लीला राज कह रहे हैं, एक बार जरूर विश्वास दिखाएं, विश्वास दिखाएं, आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, और खासकर जमींदार भाई है जो किसान भाई है उसके लिए विशेष छूट भी मिलेगी आपको। मैं बिना विधि बत्रा से, मैं बिना पूछे बोल रहा हूँ कि हम बोलेंगे तो ये जरूर करेंगे, उनके छूट भी मिलेगी। और इसी के साथ मैं नमस्कार बोलता हूँ विधि बत्रा जी का, जिन्होंने मेरे को इतना संभाल के और इतना अच्छे ट्रीटमेंट देके बिल्कुल ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच लीला राम जी, आपका मैसेज आई होप जो आज आप बोल रहे हैं बहुत लोगों को ये मदद देगा। बिल्कुल मदद देगा जी, क्यों नहीं मदद देगा, जिसको अगर तकलीफ है वो जरूर आएगा जी, और आयुर्वेदिक का जरूर अपनाएगा। ठीक है जी, इसी बात के लिए राम राम, थैंक यू जी, धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे। अगर हम आपको जानकारी के लिए बताएं तो विधिका बत्रा भी पहले एक कैंसर पेशेंट ही थी, और वो भी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से इलाज ले चुकी हैं, और आज वो एक मुहिम चला रही हैं जिसमें वो तमाम तरीके के बीमारी से पीड़ित मरीजों को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो अगर आप भी किसी भी तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो कैंसर है, डायबिटीज़ है, या फिर ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत है, या तमाम तरीके की जो भी बीमारियाँ आप सुनते हैं अपने आसपास, उनसे जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए सबसे पहले नेशनल खबर को फॉलो करें, और साथ ही आप हिम्स प्रीमियर में भी जाकर इलाज ले सकते हैं।